नमस्कार दोस्तों, आदाब। मैं MR मंसूर जी दिव्यांगम चैनल से आपका स्वागत करता हूँ इस्तकबाल पर। दोस्तों, हम जितना सोचते हैं उतना ही बड़ा कर सकते हैं। जितना बड़ा सोचते हैं उतना बड़ा कर सकते हैं, ये क्लियर है। पहले किसी भी काम को करने के लिए उसका सोचना, एग्जाम्पल तौर पे आप लखनऊ से दिल्ली जाएंगे बाई प्लेन, बाई ट्रेन, बाई बस, जब आप टिकट बुक करते हैं तो उससे पहले आप कल्पना कर लेते हैं, आप सोच लेते हैं कि बुआ कहाँ जाना है, और रिलेशन में जाना है, मीटिंग में जाना है, जिस तरीके से भी जाना है उसमें आप सोच लेते हैं कि हमें जाना है, किस प्रकार से क्या करना है, पूरा मतलब यहाँ से जाने का और आने का दोनों का पहले आप सोच लेते हैं। जिस दिन आप टिकट बुक करते हैं, बहुत लोगों ने बुक किया होगा, बहुत लोग गए होंगे कहीं भी, मतलब मैं किसी की भी जगह का नाम ले लेता, लेकिन ये चीज़ आप क्लियर है कि हम पहले किसी भी काम तक पहुंचने के लिए, किसी मंजिल तक पहुंचने के लिए, उससे पहले ही हम उस चीज़ को समझते हैं, सोचते हैं, कल्पना करते हैं ना। तो इसी प्रकार से दोस्तों, हमको जब कुछ बड़ा करना होता है, बड़ा करने की इच्छा सभी में होती है, ये क्लियर है। तो जब हम बड़ा करते हैं तो बड़ा करने के साथ में हमको उसको सोचना पड़ता है। क्यों? वो इसलिए कि हम जब किसी काम को करते हैं, जब तक उस विषय में सोचेंगे नहीं तब तक उस काम को हम नहीं कर सकते हैं, ये क्लियर है। इतिहास से लेकर अब तक के इतिहास गवाह है कि जब तक चाहे मांझी साहब रहे हो, जिन्होंने पहाड़ तोड़ दिया था एक छोटी सी बात पर, उन्होंने पूरा पहाड़ तोड़ दिया था। उसी प्रकार से ऐसे बहुत से ऐतिहासिक लोग हैं, ऐसी किताबों में लिखा हुआ है कि छोटी छोटी बात पे उनके दिल में जो हार्ट कर गई, दिल को जो चोट पहुंचा दिया, दिल में जो मकसद है ठान लिया तो क्लियर कर दिया कि हाँ करना है। लेकिन जब हम बड़ा सोचते हैं तो बड़ा सोचने के लिए हमें मित्रों दोस्तों पहले सोचना पड़ता है, करने से पहले हमें सोचना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ का प्लान नहीं बनाते हैं, बिजनेस का, मार्केट का, रिलेशन का, फंक्शन का, जब तक हम कोई प्लान तैयार नहीं करते हैं तो वो मुकम्मल, पूरी सही सादगी से संपूर्ण नहीं हो पाता है। तो इसलिए आज मेरा टॉपिक जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए है कि हम ये चीज़ को सोचें कि हम करना सबको लो चाहता है, ये इसमें कोई दो राय नहीं। अभी अगर मान लो ऑनलाइन होता मैं तो कम से कम इतने हैंड रेज आते, इतने हाई आते, इतना आता कि मैं भी करना चाहता हूँ। लेकिन बड़ा सब करना चाहते हैं, कामयाब सब होना चाहते हैं, लेकिन सोचता कोई नहीं है। देखो, कामयाब होने के लिए तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी है, जो इंसान नहीं करता पूरी दुनिया में, और जो नहीं करता है वही विफल हो जाता है। इसलिए कामयाबी का परसेंटेज बहुत लो है, कामयाबी का परसेंट बहुत लो है। पहले किसी भी काम को करने के लिए उसे सोचना, उसका पूरा ग्राफ बनाना, पूरी उसकी समीक्षा करना, प्रॉफिट एंड लॉस, आना और जाना, एक्सपेंस, प्रॉब्लम, हैप्पीनेस, सब पूरा जब तक प्रोग्राम नहीं बनाएंगे कागज़ पे बना के, डायरी ओपन से, तब तक के वो चीज़ पॉसिबल नहीं होनी है। क्लियर है? इस चीज़ से सहमत है? दूसरा, उसको एक तो हमें जाना कहाँ है, फिर कैसे जाएंगे। अब हम सोचते हैं तो दिल्ली जाना है, लखनऊ जाना है, बाराबंकी जाना है, लेकिन हम जाएंगे कैसे? मुंबई जाना है, चेन्नई जाना है, गोवा जाना है, हम जाएंगे कैसे? तो जब तक हम प्लान नहीं करेंगे कि किस चीज़ के लिए हमें कहाँ जाना है, किस चीज़ से जाना है, कितना एक्सपेंस लगेगा, कितना समय लगेगा, कहाँ क्या करना है, कहाँ रुकना है, कहाँ घूमना है, इस तरीके से होता है ना। तो जब तक कि हम किसी चीज़ पे समय नहीं देंगे, समय मतलब उस चीज़ के विषय में सोचेंगे नहीं, गहन अध्ययन नहीं करेंगे, अब तो गूगल बाबा आ गए तो बहुत कुछ आसान हो गया है, तो हम उसको सीखने की ज़रूरत है, हमको सीखने की ज़रूरत है। क्या? कि हम जब तक उस चीज़ को नहीं कर पाते हैं कि हम किसी भी अच्छे काम को करना सब चाहते हैं लेकिन करता कोई नहीं है, सुन लिया, काम खत्म, वीडियो खत्म, काम खत्म, हम उस चीज़ को करें। और अगर लगातार कामयाबी चाहते हैं, कामयाबी के उस पावदान पे जहाँ तक आपके खानदान में, आपके परिवार में, आपके रिलेशन में कोई नहीं पहुँचा है, तो उसको लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ करना होगा ना, एक्स्ट्रा सोचना होगा, एक्स्ट्रा काम करना होगा, लगातार काम करना होगा। अच्छा, बहुत लोग हैं मैंने देखा है कि लगातार काम करते हैं, काम करने के बाद में काम किया 5 दिन 2 महीना, कामयाबी नोट कर लीजिएगा, कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती है, कामयाबी एक दिन जरूर मिल जाती है। फिर से ध्यान दीजिएगा, कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन सोचिएगा ध्यान से, कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती है लेकिन एक दिन
निश्चित रूप से मिल जाती है। यही मैंने कहने का तात्पर्य है कि हमें इस तरीके से इस प्रोफाइल पे चलना है कि किसी भी हमें पहले अंदर से हृदय से सोचना है कि हमें बड़ा क्या करना है। पहले अपने लक्ष्य को निर्धारित करें कि हम सोचना है कि हमें बड़ा क्या करना है पहले अपने लक्ष्य को निर्धारित करें कि हमें किस डिवीजन में जाना है। एजुकेशन है, मोटिवेशनल है और बिजनेस है, ऐसे बहुत से मतलब समाज में है जो आप कर रहे हो, आपके पारिवारिक चला आ रहा हो जिसमें आपकी रुचि हो, और काम मित्रों वही करना चाहिए जिसमें आपकी रुचि हो, जिसमें आप इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि उसमें बाधाएं जो है बहुत छोटी हो जाती हैं। क्योंकि आपका टारगेट जब किसी से मिलने का होता है, किसी बिल्डिंग को खड़ी करने का होता है, किसी लक्ष्य को पूरा करने का होता है, तो कम समय में बड़ी चीज़ें आसानी से हो जाती हैं। लेकिन क्यों बड़ी चीज़ें छोटी हो जाती हैं, आसानी से हो जाती हैं? क्योंकि आपका गोल बड़ा है, आपका टारगेट बिल्कुल सटीक है, इधर उधर कोई नहीं। आपने देखा होगा, अब तो खैर नहीं है, घोड़े के ऐसे बांध दिया जाता था पट्टा, ना आपको याद होगा, घोड़े के पट्टा बांधा जाता था तब वो चलता था, जिसको इक्का टांगा इस तरीके से लोग पहले बोलते थे। अब तो लगभग लुप्त हो गया, बहुत कम देखने को आपको मिलेगा। उसका क्या है, उसको सीधे लेफ्ट राइट जब मोड़ा जाता था तो उसको सिर्फ उतना टारगेट, उसका रास्ता होता है, पानी हो, कंकड़ पत्थर हो, दलदल हो, सड़क हो, कच्चा हो, पक्का हो, कोई उसको बस सीधे चलना है। तो भार लेके भी वो ऊपर चढ़ जाता है, और उसको इधर उधर बहकने की जरूरत नहीं, उधर से कार आ रही है, उधर से गाड़ी आ रही है, उधर से खेत जुत रहा है, उधर ट्रैक्टर आ रहा है, हवाई जहाज, उससे कोई मतलब नहीं, उससे उसको सीधा देखना है। क्यों, उसका सीधे एक रास्ता होता है, एक लक्ष्य होता है कि हमें चलना है सीधे जहां हमको दिख रहा है वहां चलना है। ये चीज़ बहुत गंभीर है, इसीलिए वो बहकता नहीं है, इसीलिए वो कंट्रोल में रहता है। तो दोस्तों, आज का जो एपिसोड है सिर्फ और सिर्फ इसीलिए मैंने कहा कि आपको बहुत छोटे शब्दों में, कम शब्दों में बताया जाए कि पहले बड़ा सोचिए, बड़ा सोचने के लिए उसके प्लान कीजिए, क्योंकि बगैर प्लान की आधी अधूरी तैयारी बहुत बड़ी बीमारी, आधी अधूरी तैयारी बहुत बड़ी बीमारी। करनी है आपको कामयाबी की चाह तो करना होगा सिस्टमेटिक ढंग से, दिखना होगा राह। क्योंकि हम जब कोई काम करते हैं, 2 दिन 5 दिन 7 दिन 8 दिन करते हैं 10 दिन करते हैं, लगता है इसमें कुछ नहीं, इस काम में कुछ नहीं है, बड़ी मेहनत है, चाहे किसानी को ले लीजिए, चाहे किसी भी टॉपिक को ले लीजिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कामयाबी, जैसे मैंने बोला, एक दिन में नहीं मिलती है। मैंने आज कोई आईएएस की तैयारी कर ली, आईपीएस की तैयारी कर ली, मैंने आज खेत जोत दिया, मैंने किसी बिल्डिंग को बना दी, तो एक दिन में नहीं बनता है कोई भी चीज़, कोई भी बड़ा काम एक दिन में नहीं बनता है, अच्छा काम एक दिन में नहीं बनता है, लेकिन एक दिन जरूर बन जाता है। तो ये दोस्तों मुझे बार बार कहने का, इसलिए समझाने का प्रयास करता हूँ कि आप तक शायद ये बात मेरी हृदय की जो गहराइयों से हम बताते हैं आपको, वो आपके मन में उतर जाए, आपके दिमाग में उतर जाए, आपके सिस्टम में उतर जाए, कि हमें को कामयाबी बड़ा, पहले बड़ा सोचने की हिम्मत करिए, उसके बाद फिर उसका प्लान बनाइए। आपके आसपास बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, जरा सोचिए तो, जरा करिए तो, फिर बाकी दिव्यागम चैनल तो आप सब रूबरू ही है, एक से एक दिग्गज लोग, पी के वर्मा सर, अशोक सर, सुधा जी, मिश्रा जी और शरद खान, ऐसे बहुत दिग्गज हैं, अंजलि जी, रजा हुसैन साहब, अरे बहुत लोग हैं हमारे पास, तो आप उनके साथ में बैठिए, बात कीजिए, फोन से दूर है बात कीजिए, आपको हर समस्या का समाधान सिस्टमेटिक ढंग से बताएंगे, लीगल तौर पर बताएंगे। आप करिए, आपकी समस्या आती है तो समस्या तब समस्या उसी को ईश्वर देता है जो उस काबिल होता है ना, समस्या उसी को मिलता है, देती है, कुदरत देता है जिसके वो काबिल होता है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में यहीं समाप्त करता हूँ, थोड़ा सा काम भी है, तो क्योंकि हम सबसे पहले बड़ा सोचें, उसके ऐसे पूरा प्लान करें और उस पर चलते रहें। बात ये नहीं कि हम कितने दिन में पहुँचे उस जगह पे, कितना समय लगा, कितनी दिक्कत हुई, लेकिन बात यह है कि हम पहुँच गए, क्योंकि पहुँचने के बाद में आपके दोस्तों की, आपकी फैमिली की राय बदल जाती है ना। जब आप कामयाब हो जाते हो, सक्सेस हो जाते हो, बिजनेसमैन हो जाते हो, अधिकारी हो जाते हो, तो आपके रिलेशन, फ्रेंड सर्किल, मोहल्ला, गली मोहल्ला, गांव, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बंदा था, बहुत अच्छी लड़की थी, काम कर दिया उसने, वाकई में इसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण गुण है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि आपकी, आपके कृत से, आपकी कामयाबी से लोगों की राय बदल जाती है। इस कामयाबी के लिए आपने कितना समर्पण किया, कितना दर्द सहा, कितना परेशानी उठाई, कितनी दिक्कत उठाई, उस बाद आप वहाँ पहुँचे। क्योंकि दोस्तों, ये इंडिया है, ये भारत है, ये दुनिया है, ये दुनिया उसी को सैल्यूट करती है, उसी को धन्यवाद कहती है जिस वो जो कामयाब होता है। आपने कभी रिश्तेदार में अपनी किसी को भी कहा है कि मेरे मामा, मेरे बुआ, मेरे ताऊ,
छोटा काम करते हैं, छोटी परचून दुकान है, खोखा है नहीं। हाँ, जब हाई क्लास का दूर का रिश्तेदार भी होगा, वो IAS अधिकारी हैं, वो SDM है फला डिस्ट्रिक्ट में। अरे क्या बता रहे हो, तो मतलब बड़े शुरुआत करता है, ग्रंथों में पढ़ेंगे और जब बड़ी बड़ी किताबें पढ़ेंगे तो उसमें यही सिखाया गया है कि हम किसी भी चीज़ को सोचना पहले सोचिए। वो श्लोक है एक, मुझे समय सटीक में नहीं बता पा रहा हूँ, कि पहले बड़ा सोचना होगा, बड़ा सोचना होगा, उसका प्लान करना होगा, उसको रूपरेखा तैयार करिए, उस पर काम करना शुरू कर दीजिए, करिए एक साल करिए काम बिल्कुल शिद्दत से, दिलो जान से, नियमित नियमित लगातार, बार बार लगातार लगातार लगातार। क्योंकि जब सफल होता है इंसान, वही होता है जो सफलता की आदतें अपने पे डाल देते हैं। सफलता की आदतें अपने पे डाल लीजिए और निश्चित रूप से आप कामयाब हो जाएंगे। मिलते हैं अगले संडे को, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।